नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और अभी आपने एक दो दिन पहले जो वीडियो देखा है हमारा गुड्स केयर से रिलेटेड, तो आज उसी वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। और उसी कंपनी का हमारे साथ दूसरे डायरेक्टर है मिस्टर शिशिर सिंह, जिनसे हम बात करेंगे फाइनेंस बिलिंग और कस्टमर से रिलेटेड। क्या वो कंपनी को चलाने के लिए फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करते हैं, साथ साथ में किसी नए कस्टमर्स को लाने के लिए क्या क्या करने का जरूरत होता है उनको, और क्या क्या करते हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और बताइए कि किस तरह से एक्सपीरियंस आपका, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करते हैं एक्चुअल में, और शायद से आप टेलीकम्युनिकेशन से है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता हूँ, वो सेगमेंट दूसरा हो जाता है। एक्चुअली जो टेलीकॉम में है उसमें मैं सप्लाई चेन में ही था। ओके, सप्लाई चेन में ही था। हाँ, तो सप्लाई चेन में ही था, तो मैं टेलीकॉम में बड़े बड़े क्लाइंट जैसे अपना एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, इन कस्टमर्स को मैं देखता था। और उसके बाद मेरी जर्नी जो है टेलीकॉम के बाद मैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में झारखंड में सप्लाई चेन देखता था पूरा झारखंड को। तो अभी जैसे आप ये इस इंडस्ट्री में आए प्रॉपर लॉजिस्टिक, क्योंकि सप्लाई चेन तो खैर फिर भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, लॉजिस्टिक जो है उसका एक पार्ट्स है जहाँ तक, और उसका लॉजिस्टिक का एक पार्ट्स ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ तक कि मुझे पता है। तो लॉजिस्टिक में आने के बाद आपको क्या सप्लाई चेन से अलग क्या इधर देखने के लिए मिला है? कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं। यहाँ पे ये है कि जो कस्टमर्स हैं, हम अभी जैसे फुल लोड और पार्ट लोड में डील करते हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से हैं और रिटेल सेक्टर से कस्टमर्स हैं, तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वहाँ पे क्या है कि प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो अपना इंडेंट एक से दो दिन पहले दे देते हैं, तो हमें पता रहता है कि कब हमें प्लेस करनी है व्हीकल, कब का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो इसलिए कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस मेन है कि एग्जीक्यूशन जो है सही होना चाहिए। तो जैसे मुझे पता चला कि आप इस कंपनी में फाइनेंस मेनली जो है फाइनेंस और कस्टमर को कस्टमर देखते हैं, तो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यही दो चीज़ है। एक तो पहला तो फाइनेंस, पैसे का लेन देन उसको मैनेज करना, दूसरा कस्टमर कहीं से लेकर के आना। तो ये पैसे का जो रोटेशन है ये किस तरह से करते हैं, किस तरह से इसका आप प्लानिंग किस तरह से करते हैं कि कैसे आपका कस्टमर्स के साथ पास जो आपका पैसा लगा हुआ है वो किस तरह से जल्दी आ सकता है, या फिर आपके पास से और किस तरह से अपने पैसे को रोटेट कर सकते हैं ताकि आपका ऑपरेशन सही से स्मूथ से चल सके। बिल्कुल, ये सही बात है कि फाइनेंस जो है किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है, और इसमें मेन चीज़ ये है कि आपका लॉजिस्टिक कंपनियों में पैसा जो है ज़्यादा दिन तक रुकने का डर रहता है, हमेशा बना हुआ रहता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे कस्टमर के साथ फॉलोअप टाइमली होता है, हमारा जो बिलिंग है हम बिलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि टाइम से हमारी बिलिंग कंप्लीट हो जाए, 1 से 5 तारीख तक हमारी बिलिंग कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम कस्टमर से बातचीत करके निगोशिएट करके हम अपना बिल जल्दी से जल्दी जितना जल्दी क्लियर करा लें, एक चीज़ ये है। दूसरा चीज़ है कि फाइनेंस में पैसे जो है, अभी जितनी भी कंपनियां हैं वो तो बड़े स्केल पे इन्वेस्टर के लिए देखती है कि कहीं से हमें अच्छा इन्वेस्टर मिल जाए, और बैंक है ऑब्वियसली, बैंक से बिजनेस लोन लेते हैं, कुछ फैमिली की जो फैमिली के पास जो पैसे हैं उसको हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह से फाइनेंस मैनेज होता है। अच्छा, तो अगर जैसे देखा जाए, जैसे कोई कस्टमर है जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बिजनेस कर रहे हैं और 30 दिन का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम मान के कितने दिन में चले कि वो पैसा हमारे पास कितने दिन में रिटर्न होकर के आ सकता है? देखिए, 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो कि मतलब आप जिस डेट पे आप उनको बिल करते हैं, जो इनवॉइस की डेट होती है, उसके बाद 30 दिन काउंट होता है। तो आप अगर सही समय पे कस्टमर को बिल कर देते हैं तो इनवॉइस डेट से आपको मतलब 30 से 40 दिन में मैक्सिमम पेमेंट आ जाता है। 30 से 40 दिन में? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि फिर भी 30 दिन हम दिए हैं तो उसे 10 दिन और? बिल्कुल, अभी हमारे साथ अभी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा अभी आया है, MSME करके है, जिसके अंतर्गत जो भी कंपनियां हैं स्मॉल स्केल पे, जो भी कंपनियां हैं उनका बिल जो है कंपनी ज़्यादा दिन तक होल्ड करके नहीं रख सकती है, तो अगर टाइमली बिल आप करते हैं कंपनियों को तो आपको टाइम पे पेमेंट आ जाएगा। अच्छा,
दोस्तों, ये एमएसएमई की बात कर रहे हैं जिससे रिलेटेड मैंने अपना वीडियो पहले भी बना रखा, दो दो वीडियो में बना रखा है। पहला कि आप एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, दूसरा अगर आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपका पेमेंट कोई कंपनी ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं करेगी, इसके लिए क्या प्रोसेस है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो सर अब बात करते हैं हम सेल से रिलेटेड कि किसी कंपनी में अगर फाइनेंस के अलावा जब इस कंपनी की मैं बात करूँ तो सेल्स की बात आती है, लोगों को सही से कस्टमर नहीं मिल पाता है या फिर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से पूछते हैं क्वेश्चन कि सर मैंने ट्रांसपोर्टेशन तो स्टार्ट कर दिया है बट कस्टमर के पास कैसे पहुँचूँ। दिल्ली एनसीआर के भी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनका क्वेश्चन आते रहता है, कुछ लोग मेरे से इससे रिलेटेड मिले भी हैं आज तक जब से मैं ये वीडियो चैनल अपना स्टार्ट किया हूँ, और जहाँ तक हो सका मैं उनको हेल्प किया हूँ किसी ना किसी तरीके से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कस्टमर्स के पास कैसे पहुँचा जाए, इसके क्या क्या तरीके हैं। देखिए, कस्टमर्स के पास पहुंचने के तरीके हैं कि आप अपने कंपनी में जो अच्छे गुड एम्प्लॉयज़ पढ़े लिखे एम्प्लॉय को हायर कीजिए, जो जो बंदे आपके सेल्स देखेंगे वो कंपनी में जाएंगे, वो वहाँ पे बात करेंगे, उनके सप्लाई चेन जो देखते हैं उनसे बात करेंगे, उनसे मिलने का समय मांगेंगे, उनसे मिलेंगे। तो इस तरह से अचानक से किसी कंपनी में आपको काम नहीं मिलेगा, ये बात सत्य है, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो आपको उस कंपनी से ज़रूर काम मिलेगा, क्योंकि आप जो काम ऑलरेडी जो कर रहे हो, जिन जिन कंपनियों के साथ आप काम कर रहे हो उनका आप रेफरेंस दे सकते हो कि मैं किस किस एरिया में कहाँ कहाँ अच्छा क्या हम अच्छा कर रहे हैं, और एक अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए आपका, अच्छा हर चीज़ होना चाहिए। तो इस तरह से आप कंपनियों को अपने बारे में बताओ कि सर हम क्या करते हैं, तो इस तरह से सेल्स किया जाता है। बाकी और कांटेक्ट निकालने का और भी तरीका ये है कि आप अभी ऑनलाइन जो है इंटरनेट की सहायता से आप बड़ी बड़ी कंपनियों के ईमेल आईडी को एक्सेस कर सकते हैं और उस पे अपना प्रोफाइल भेज करके बात करके आप मीटिंग के लिए उनको रिक्वेस्ट कर। अच्छा, मतलब कहने का मतलब जैसे ग्लासडोर साइट हो गया या लिंक्डइन वगैरह हो गया, ऐसे जगह से। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी साइटें हैं ऑनलाइन और बहुत सारे कंपनीज का डिटेल है जिसपे आप कर सकते हो। और मैंने वही बोला आपको फिर से कि एक पढ़े लिखे एम्प्लॉय अगर आपकी कंपनी में है तो वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। ओके। तो दोस्तों, मेरा जो दो क्वेश्चन था जो मुझे आज तक मैं अपने वीडियोज में कभी नहीं बताया था, पहला तो फाइनेंस से रिलेटेड जो पैसे का जो रोटेशन होता है उसको किस तरह से किया जाता है, दूसरा कस्टमर्स के पास कैसे पहुंचा जाता है, आप उसे वहां से बिजनेस कैसे ला सकते हैं, ये दो चीज़ें मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं बताया था। और आज हम सिसिर सर के साथ बात करके इस चीज़ को क्लियर किए हैं कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, आप किस तरह से फाइनेंस को रोटेट कर सकते हैं और किस तरह से आप किसी भी कंपनी में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपको इसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं रोहित फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ मिलूंगा। तो सर, एक आपसे अपील है, जैसा कि संजय सर से भी हमने अपील किया था कि हमारे दर्शकों को बोलिए कि थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हमारे रोहित जी जो हैं बाय नेचर बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, और ये आपकी सहायता करेंगे, इसलिए आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर से किसी नए डिटेल्स के साथ, किसी नए लोगों के साथ और किसी नए सक्सेस के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।